अच्छी बीवियां ना ही शॉपिंग के लिए बोलती हैं, ना ही घूमने के लिए बोलती हैं, ना ही तंग करती हैं, ना ही शक करती हैं, ना ही हर बात पे कॉल करती हैं, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे पितृभाषा क्यों नहीं कहते? क्योंकि माताजी ने पिताजी को कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया। सूरज की भी बीबी होती, कम से कम उसे थोड़ा कंट्रोल में तो रखती। बहुत गर्मी है। दामाद जी, है? आप शराब पीते हैं, आज तक नहीं बताए। तो तोहरो बेटी तो खून पीती है, तू बताए का? छनु बताओ, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज तो देख सकते हो पर तोड़ नहीं सकते? मैं नहीं बताऊंगा। बोलो ना प्लीज। तेरा मुंह। हेलो सासू माँ। हाँ दामाद जी। आपकी बेटी में तो दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं है। दामाद जी, आपने तो उनका हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात नहीं करी थी। तो दिमाग का फ्रिज में रखा हुआ है। पूजा, पता है तुमको, तुमसे शादी करके ना मुझे बहुत फायदा हुआ। अच्छा, क्या फायदा हुआ? जो नर्क में सजा मिलती है ना, वो तो मुझे यहाँ ही मिल गई ना। सुनो जी, आज मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। अरे यार, मैं तो सोच रहा था आज बाहर खाना खाने चलेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक कर रहा था, उठ के रोटी बना ले, नहीं तो मुंह फोड़ दूंगा, चपेड़ूंगा मुंह पे अभी। बेटी क्यों मार रही हो बेचारे को? कोई बेचारा नहीं है, इन्हें फोन किया था मैंने। और एक लड़की बोली, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। बता कौन है वो लड़की? बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्ची बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए डायमंड रिंग भी लिया हूँ, पता है? दिखा। अरे भाभी जी, हाँ जी, आप कल जब मंदिर गए थे, मैंने सुना आप अपने पति को अगले जन्म में वापस मांग रहे थे। हाँ। आप तो उनसे इतना लड़ते हो फिर भी। अरे मैंने इस जन्म में उनको इतना ठोक पीट के सुधारा है, अब अपना तैयार किया हुआ रेडीमेड माल में किसी और चुड़ैल के लिए क्यों छोड़ू? क्या? हाँ जानू, जब तुम देसी पीते हो तो पाड़ो कहते हो, जब तुम बियर पीते हो तो डार्लिंग कहते हो, फिर आज चुड़ैल क्यों? क्योंकि आज स्प्राइट पिया है जानू, सीधी बात, नो बकवास। मम्मा, मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि आपसे बिना पूछे ही कहीं जा सकूं? बेटा, इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ है। अगर कोई लड़की आपके मैसेज का रिप्लाई ना दे तो ये मत समझिए कि वो कहीं घूमने गई है और मोबाइल घर पर रख के गई है, हो सकता है बेचारी बर्तन माज रही हो। शादी करने के बाद और मोबाइल लेने के बाद एक ही अफसोस लगता है। वो काची कि साला कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता।